तो भाई लोगों, टाइम हो गया 4:14 और अपना मुकरबा मिल बाईपास, जो दिल्ली का पहाड़ कहा जाता है सबसे ज़्यादा, तो वहाँ पे मिलेंगे सारे लोग। और पैकिंग मेरी हो चुकी है ऑलरेडी, सब कुछ। बाकी चलते चलते करेंगे बात, मैं यहाँ से निकलूँ क्योंकि तो मेरे को बाहर भी मिलना है लोगों से। तो पैक हो चुका है, चाय वाय पीते हैं, निकलते हैं थोड़ी देर में, मिलते हैं ज़रा थोड़ी सी। तो भाई मुकरबा चौक पहुंच गए हैं, हमेशा की तरह मैं पहले आया, अभी तक कोई आया नहीं, सागर की कॉल आ गया। हाँ भाई। हाँ जी भाई, हैं कहाँ पहुंच गए? मैं तो मुकरबा चौक। बाकी बाकी कोई नहीं आ रहा आ रहे आ रहे भाई, क्यों चली? आ जाओ जाने मन, अभी निकले हमारे, अभी 5-6 राइडर निकले हैं इसके साथ से, घूरते हुए जा रहे थे, वो सोच रहे हमारा साथ ही है, फिर मैं खड़ा ही रहा। ये भाई ने हमारे को पूरा लेट करा दिया, एक बंदा अब से सोनीपत में खड़ा हुआ है, इसको घर से लेने आया, अभी उठा है सो के, ये देखो शक्ल देखो इसकी दोबारा सो गया। ये 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 भाई इसको दो बीप में जितना भी देना है, देखो ए इसको मारो बे फटाफट मारो इसको भाई, ये रख ले बोतल पहले तो बैग में आ जाएगी चाय है इसमें, वो पहुंचा हुआ है गुलशन पे। चलो मेरी जान, बाहर का रास्ता बताइए भाई, तो राइट दिखा के कह रहा लेफ्ट ले लो आना सफर, आना मौसम, यहाँ से रॉन्ग साइड लेके जाना है, लेफ्ट मारना है, क्या हो रही है? अरे आ जाओ आ जाओ, तो हमारे साथ एक बंदा और जुड़ चुका है, मिस्टर सागर R15E3 SMK झंडा पूरा ट्रेन होगा। अभी ये तो है, बाकी देखते हैं हम आगे डलवाएंगे, चलो तब तक मैं देखते हैं और क्या क्या होता है।
ध्यान नहीं डलेगा। अरे वो दूसरा भाई इशारे कर लेता, पुल करनी है। क्या कह दिया छमिया? यहीं से चला दूँ उसमें भी? नहीं नहीं अलग है। हाँ जी अलग अलग अलग। ये डलवा दोगे इसी से? बस तेरी है फिर भाई। अभी हम कर रहे जीरो। ओए आम नहीं है क्या? ओ भाई ओ भाई कतली भाई। चाय के लिए कहाँ रुकोगे? चाय के लिए कहाँ रुकना भाई? चाय के लिए अभी भाई सही अभी यहाँ से दिखा रहा है अपना आगे जो खुला सा ना एरिया। अभी सुनो मेरी बात सुन, यहाँ से अभी जाएंगे ना अपन वो करनाल उतरते ही जहाँ पे करनाल खत्म होता है वो धनुष आ जाएगा ना खत्म होने वाला एमसीडी का एक बोर्ड आता है यहाँ से तकरीबन होगा अभी 128 से 130 पे आता है और 30 किलोमीटर के बाद एक ढाबा आता है लेफ्ट में ही झिलमिल झिलमिल ही आता यार फुलवारी। अरे ये तो निकाल कहाँ से रहा है तू ये? सबका तेल फुल हो गया निकले चलो हो गया इधर पूरा चलो चलो हाँ बैठ ना ना वहीं पर रुकेंगे बस बन गई भाई इतने शॉट बहुत है भाई बढ़िया रोड नहीं है ये जहर कत्ती तूने मतलब वीडियो में हेट आ रहा है स्टार्टिंग में वो चाहिए सारा भाई तेरा उठ ही नहीं रही 70-80 हो रही है इसके ना बेटे भाई 150 सीसी है 300 सीसी है 500 भागती है अभी रुक जा चिकनी रहेगी पीछे साइड में छोड़ में। ओह माय गॉड कुछ मिल गई हैं दर्द हो गई क्या हो गया? बहुत टाइट है बोला था तकिया ले जा चलाएगा नहीं चला ले कोई दिक्कत नहीं है यही बैठ जाएगा। अरे कोई बात नहीं बैठ आ रहा कपड़ा वपड़ा मार दिया बहुत गंदा हो रखा है अपनी बंदी के लिए शॉपिंग कर लो कहना चल रहा है अपनी बंदी के लिए ले ले तो भाई हम 150 किलोमीटर करीबन आ चुके हैं उसके बाद अभी हम रुके हैं मयूर ढाबा रेस्ट हो चुका है हमारा सबका अभी हम
खाना वगैरह खा के, चाय वैसे घर से लेके आए थे, उसके बाद चलेंगे। चल रही है हमारी, अब निकल लो ब्लैक बोल। ये भाई मैंने इसको बोला कि भाई ये भाई लड़ रहे हैं, भाई ने वीडियो बनाई है काफी अच्छी। भाई मैं तो भाई अंदर कपल्स भी आए हुए हैं वैसे राइडर वाले, देखा हो तो। ये हमारे राहुल भाई ड्रोन वाले भाई, लास्ट वीडियो में बताया था ड्रोन वाले भैया। आज शकल देख लो। ये हमारा छपरी, ये देखो स्वैग वाला छपरी। ये हमारी धन्नो लाल परी, और हमारा सागर भाई। भाई के शरीर में कुछ नहीं बोलेगा, एक किस कम गई थी वो किस शरीर भर जाएगा, शरीर ही तो है। अभी पराठे पाड़ेंगे भरेंगे। मैं लोकेशन नहीं डाली, डाल दिया मैंने, टैग कर दिया भाई। ले लियो सैंडविच रखे भाई ने बनाया अपने हाथों से टेस्ट। अबे ये पराठे उसमें है जो घर के है, सैंडविच इसमें है। पराठे भाई ने पता मुझे क्या बोला, पराठे खा ले, ये पराठे खा ले। तेरी कॉफी आ गई भाई, भाई महंगी बात चाहिए तुम्हारे यहाँ की। शिवम कहते हैं कि चाय से ना दिल नहीं भरता, पर साले कॉफ़ी पीने वाले क्या जाने, चाय पीने वाले क्या जाने। अरे बंदे कॉफ़ी के अंदर दिल बनाते हैं, ठीक है। अरे हम दिल से चाय बनाते हैं, बंदे कॉफ़ी के अंदर दिल बनाते हैं, बट हमारे दिल के अंदर कॉफ़ी। चाय अच्छी है नोड़ो भाई, मैंने जिंदगी में चाय हर जगह अवेलेबल हो जाएगी। अरे मैंने आज तक जिंदगी में सिर्फ एक बार चाय पी है, वो भी हॉस्पिटल में पी थी जब। वापसी निकलने की तैयारी, मयूर से मोरनी जाएंगे, मयूर ढाबा से सीधा मोरनी निकलेंगे, और उसके बाद फोटो लेंगे, ब्लॉग बनाएंगे। खाना कैसा लगा पहले तो भाई यहाँ का बताओ खाना। तो मयूर ढाबा निकल रहे हैं, चलो भाई। काफ़ी सारे राइडर ज्वाइन करते हुए, जा रहा था मैं भी। ये चला लेगा, ये चला लेगा। हाँ इसको चलाने दे, चला ले भाई। दर्द ज्यादा होगी, उतर उतर के मत आ, उधर बैठ। ये क्या मजाक है? नहीं सीरियसली वाली बात है भाई, एक्सपीरियंस होल्डर से भी थोड़ा सा थोड़ी आ रहा है। बैठ अंदर बैठ, प्रैक्टिकल बन रहा है, दर्द हो रहा तभी आया। चल चल बैठ, ज़्यादा देर मत रुको। बेटा
तू चला ले अब आएगा मैदान में नया खिलाड़ी देख ले भाई, अब फील लेगा लोंडा। जल्दी जल्दी गाने गुणे मत लगा, ये देखे स्लो मोशन, ये ले भाई साहब, अब और स्लो चल ले। जय माता दी, जय बोलेगी। नया खिलाड़ी मैदान में आ गया, ये वाह जोश आ गया भाई लड़के को, नाच रहा है बड़ी देर से, पीछे बैठा हुआ था ना। तो दुख गया इसको भी अपनी RR 310 की याद आती है। वह क्या कर रहा है, क्या कर रहा है, जोश चढ़ गया लड़के को बड़े। 150 किलोमीटर तक पीछे बैठा हुआ था, आदत नहीं है लड़के को। पिलियन सीट तो वैसी RR 310 की इतनी छोटी सी है, तो इसके वैसे दुख गए हैं। भाई हम कौन सा टोल है, चंडीगढ़ का टोल, चंडीगढ़ में घुसेंगे नहीं, पर हमार को चंडीगढ़ से साइड से ही होते हुए निकलेंगे मोरनी गिर। चंडीगढ़ तो यहाँ से काफ़ी दूर है, टोल पड़ जाता है, पर पहले चंडीगढ़ के लिए क्वारंटीन कर देंगे अभी फ़िलहाल हमार को। तो ये वीडियो मैं यहीं पे ही रोकूँगा, उसके बाद टू वी कंटिन्यू। देखते रहिए, मजे लेते रहिए वीडियो का, सब्सक्राइब करना ना भूलें यार। Sandy Pal 47, नीचे घंटे का बटन दबा दो तुरंत, ठीक है। मिलते हैं अभी, चलते चलते।